पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। आईटी की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है और इस रेड में अब पूर्व मंत्री के करीबी भी आईटी टीम के रडार में हैं। बताया जा रहा है कि अमरजीत भगत के ठिकानों से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा की नगद रकम की बरामदगी हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि रेड पूरी होने के बाद कई अहम खुलासे हो सकते हैं। बताने की आईटी की टीम ने 31 जनवरी की सुबह पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी थी, जिसमें उनके अंबिकापुर निवास सह कार्यालय, रायपुर का निवास, सीतापुर कार्यालय, पाइप फैक्ट्री शामिल थे। इसके साथ ही आईटी की टीम ने पूर्व मंत्री के पीए राजेश वर्मा और अमरजीत के करीबी पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर रुपेश नारंग के घर पर भी दबिश दी थी और दस्तावेज खंगाले थे। बताया जा रहा है कि संदेह के घेरे में मंत्री के करीबी भी आ रहे हैं और यही कारण है कि आईटी की टीम ने इंजीनियर और सीए से भी पूछताछ की है। यही नहीं, 2 फरवरी की सुबह से ही आईटी की टीम ने मंत्री के करीबी अटल यादव के मैनपाट निवास स्थल पर दबिश दी है और यहाँ भी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पूर्व मंत्री के ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है और आईटी टीम के रडार में मंत्री के करीबी भी अब शामिल हो चुके हैं। पूर्व खाद्य मंत्री के अंबिकापुर के आवास के बाहर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं और अंदर कार्रवाई जारी है। टीम के तीसरे दिन भी डेरा जमाए रहने के कारण आशंका है कि आईटी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है और यही कारण है कि कार्रवाई लगातार जारी रखी गई है। देखना होगा कि इस पूरी कार्रवाई के बाद अमरजीत भगत से रिलेटेड क्या कुछ जानकारी सामने आती है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर अमरजीत भगत का कहना है कि क्योंकि उन्हें न्याय यात्रा का संयोजक बनाया गया है, इसलिए उन पर यह कार्रवाई साजिश के तहत की जा रही है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि एक साजिश के तहत आईटी की कार्रवाई अमरजीत भगत पर की जा रही है या अमरजीत भगत वाकई दोषी पाए जाएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।